22 मई से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे डाक कर्मचारियों ने बुधवार से शुरू की भूख हड़ताल। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी अपने सातवें वेतनमान की मांग को लेकर 22 मई से पूरे देश में अनशन पर हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डाक का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बावजूद इसके सरकार के द्वारा इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे परेशान होकर बुधवार से कर्मचारियों ने अपनी मांग ना माने जाने तक आमरण अनशन शुरू कर दिया है। हम ये करीब 16वां दिन है आज के 22/5/2018 से लेकर के आज 6/8/6/5/2018 तक लगातार 16वां दिन है। हम लोग अपनी मांगों के लेकर के सारे विभाग, सारे केंद्रीय कर्मचारियों को सब सातवां वेतनमान दे दिया गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं दिया गया। जबकि हमारे लिए एक कमेटी बनाई थी कमलेश चंद्रा की, कमलेश चंद्रा जी ने अपनी रिपोर्ट एक साल पहले दे चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसलिए हम लोगों ने एक बार, दो बार, तीन बार एग्रीमेंट भी हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उससे, ना कोई हमारे हमको लाभ हुआ, ना हमारे कर्मचारियों को लाभ हुआ। इस बार हम लोगों ने सोच लिया है आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारी हड़ताल नहीं टूटेगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर है, पूरा राष्ट्र में 100% हड़ताल हो रही है ग्रामीण इलाके। इसका असर शहरों में नहीं है, इसका असर गाँवों में। आज गांव में चल के देखिए, लोग अपनी एक रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि हमको स्थिति मिल जाए। तो जब तक हमारी आज मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जाएगी।